और भाई मैं दिल्ली प्रदेश के सैनिकों का प्रवक्ता होते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब ये हमारा 369वां मेला है दादा बुड्ढे का, जो आज के दिन चार गांव में भरता है, शाहपुर, बूढ़पुर और सुद्धा। उसमें हमारे गांव की बहुत पुरानी आस्था है, यहाँ भी जो सोच कहते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है और यहाँ से 50 किलोमीटर के दायरे में इसकी सबकी मान्यता है और जो है जो भी इसके दरबार में आता है उसकी पूरी पूरी मनोकामना पूरी होती है। ये भाई महाकाल से है जो नाम से मेला भरा जाता है और यहाँ पर दो दिन का भी लगातार मेला चलता है। रात या सुबह 6 बजे 12-1 बजे तक 2 बजे भंडारा चलता है देसी घी का, जिसमें हलवा सब्जी पूरी छोले कुलचे जो मन खाओ वो खाओ। और 2 बजे से और 6 बजे तक यहाँ पर बहुत बड़ी कुश्ती का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों रुपए का इनाम दिया जाता है, 100 रुपए से लेकर लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। आपने देखा कि इन साहब ने बताया कि पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है इस मेले की रस्में, और इन रस्मों के हिसाब को देखा जाए तो घटोत्कच के जमाने से ये चलता आ रहा है और साथ ही 359 सालों से ये बरकरार मेला लगता है इस इन गांव में, और इन गांव में हजारों लोग पहुंचते, विभिन्न राज्यों से लोग पहुंचते, जहाँ दंगल होता है, कुश्तियां होती है, उनको इनाम दिया जाता है ताकि वो पूरे इंडिया में अपने नाम का परचम लहरा सकें और यहाँ से इंटरनेशनल गेम में भी जा सकें और वहाँ भी खेल सकें। इसलिए यहाँ की एक नई तैयारियाँ होती है, साथ ही नशा मुक्ति का भी ध्यान रखते हैं। क्या नशा मुक्ति का भी ध्यान रखते हैं? बिल्कुल भाई साहब, यहाँ पर कोई नशा नहीं होता बिल्कुल भी, प्रशासन यहाँ पूरा मुस्तैद है और गाँव की कमेटी जो है पूरा मुस्तैद है, नशे की कोई चीज नहीं यहाँ पर चलती। तो ये जो यहाँ से ये जो कार्यक्रम है ये एक ही दिन का रहता है, इसके बाद जो रिहर्सल है या कुछ है ये कुछ चलता रहता है आपके पूरे साल या कुछ? यहाँ मेले से 3 महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती है भाई साहब जी, MCD वाले दिल्ली सरकार का या जो हमारी कमेटी शाहपुर दादा बुड्ढे की, वो 3 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर देती है। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है बाहरी दिल्ली के ईसापुर गांव में। आपको बता दें कि हर साल यहां पर मेला लगता है और आपको बता दें कि ये मेला याद दिलाता है हमें उस बचपन के दिनों की जब हर जगह मेला लगा करते थे। आपको बता दें इस समय मौजूद है दादा बूढ़ा धाम ईसापुर में और हमारे साथ ईसापुर के प्रधान जी, बूढ़ा धाम के प्रधान जी और कोषाध्यक्ष, पूरी टीम हमारे साथ है। आइए उनसे बात करते हैं किस प्रकार से इस मेले का आयोजन वो करते हैं, अपना परिचय दे। देखिए हमारा ये ईसापुर गांव है, 360 साल से ये मेला बरसा रहा है, पुरानी परंपरा है, हमारे दादा की बहुत बड़ी मान्यता है, हमारे 5 गांव की मान्यता है और बाकी देश आता है यहाँ पूरा, और बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा दंगल लगता है, बहुत भारी दंगल होता है यहाँ हमारा कुश्तियों का। कुछ ऐसी बातें बताइए दादा बूढ़ा धाम के बारे में कि यहाँ से लोगों को ऐसी आस्था जो जुड़ी हुई है वो बरसों से, वो कैसे किस प्रकार से और क्यों? वो ये जुड़ी हुई है, दादा में इतनी शक्ति है, कोई भी मंगत मांग के जाता है उसकी पूरी होती है और बहुत दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं और अपनी मंगत मांग कर जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो आज हम ये मान लें कि आज हम लोग पहुंच गए ईसापुर और आज हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण होने जा रही हैं। एक बार हम फिर से बात करेंगे प्रधान जी से। प्रधान जी अपना परिचय दे दीजिए हमारे व्यूवर्स को। देखिए मेरा नाम जिलेश सिंह है, गाँव ईसापुर है मेरा, मैं दादा बूढ़ा समिति का प्रधान हूँ और दादा की सेवा कर रहे हैं और बहुत बढ़िया जो है, मतलब आप आए, आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत अच्छा लग गया क्योंकि बढ़ चढ़ के ना जो है, मतलब कोई भी टीम आती बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और आप आए हैं पूरे मेले का जो है, मतलब आपने देख ही लिया होगा कितना क्या है। जब देश में कोई काम हो रहा होता है, किसी गांव में इतना बड़ा नाम हो रहा होता है तो वहां पर मीडिया का पहुंचना उचित होता है और काम करना बहुत जरूरी होता है। हमारे साथ जुड़े हुए कोषाध्यक्ष जी, उनसे बात करते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सतवीर सिंह है, गांव ईसापुर से बिलोंग हूं। और कुछ ऐसी बातें बताइए आज दादा बूढ़ा धाम के बारे में जो लोगों को प्रेरित करें और आकर्षित करें।
जैसा कि प्रधान जिले सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ दादा में इतनी शक्ति है कि यहाँ जो भी आदमी बाहर का गांव का कहीं का भी आता है और वो अपनी मंगत मांगता है यहाँ, तो उसकी मंगतें पूरी होती हैं। पूरी होने के बाद जैसी भी उसकी श्रद्धा होती है भंडारा और दान देने का वो करके जाता है और बार बार यहाँ आते रहते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर बार बार आते रहते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष किसान यूनियन के, भारतीय किसान यूनियन के वीरेंद्र डागर जी, उनसे भी हम बात करते हैं। आज मैं देख रहा हूँ उनके चेहरे पर भी एक तिलक लगा हुआ है और वो खुश हैं। आज कैसा दिन है, आज यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है ईसापुर में। मैं धन्यवाद करता हूँ जी एनएन न्यूज का, जो इतनी बड़ी उसमें आप यहाँ पहुँचे ईसापुर गाँव की तरफ से। ये हमारा दादापुर डे का ये लगातार 359वां जन्मदिन हम इसका मना रहे हैं। हमारे जो 5 गांव 7 गांव डागरों के, उससे अलावा लगभग 200 गांव यहां पहुंचते हैं। इतनी भारी संख्या आप देख रहे हो। इसमें ऐसा ये है कि अभी 3 बजे एक दंगल होगा हमारा, जो कुश्ती हम जिसको बोलते हैं, हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान पंजाब अनेकों प्रदेश से यहाँ किसान पहुँचते हैं। ईसापुर जो गाँव है, हमारी जो कमेटी है, मैं समझता हूँ 20-30 लाख रुपए वायनाब बाटले का काम करती है और हम आपके माध्यम से भी ये निवेदन करते हैं सभी देशवासियों को कि जब भी आपको पता लगे बादवे की दोज, जो देसी बिना बादवे की दोज को हमारा मेला होता है, हम ईसापुर गाँव की तरफ से, कमेटी की तरफ से, दादा बुढ़े की तरफ से स्वागत करते हैं आप सभी भाइयों का जो यहाँ पहुँचे हैं। और मैं फिर आप लोगों से कहूँगा, यहाँ गाँव में घर घर में खीर हलवे का जो प्रसाद है वो कोई भी भाई प्रसाद ले पकड़ ना जाए। तो आप लोगों को बता दें, अगली बार अगर आप लोग नहीं आ पाए तो आप लोग भी आइएगा ईसापुर और दादा बूढ़ा धाम का प्रसाद जरूर खाइएगा। यहाँ का जो प्रसाद है बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही विचारमक है, आपके दिमाग को बढ़ाएगा, आपके काम को बढ़ाएगा। अभी हमारे साथ बहुत सारे पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आज वो ईसापुर दादा बूढ़ा धाम में पहुंचे हुए हैं। सर अपना परिचय दें। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी, प्रधान पालम 360 का। तो आज हमारे साथ 360 गांवों के प्रधान जी भी मौजूद हैं। आज बताएंगे वो कि क्या है हिस्ट्री यहाँ के बारे में और यहाँ के जो मेला के बारे में, इतने सारे लोग जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो आज की हिस्ट्री बताएं यहाँ की। देखिए, ये पवित्र स्थान है और हमारे पूर्वजों का है, जो हमारे दादा बूढ़े के नाम से यहाँ पर है और आस्था है लोगों की। और ना सिर्फ यहाँ पे, जो भी हमारे हर गांव के अंदर या हर 10-12 गांव की जो मान्यता होती है, जितने भी हमारे, चाहे दादा बूढ़े हों, चाहे दादा देव महाराज हो, चाहे बाबा हरिदास जी हो, ये सब हमारे एक तरीके से हमारे रक्षक के रूप में, या ये कहें कि इनके द्वारा इस गाँव को बसाया गया, जिसकी वजह से लोगों की आस्था है। और जो भी यहाँ पर सच्चे मन से आता है, चाहे वो गांव का हो चाहे गांव के बाहर का हो, उसकी भी मन्नत पूरी होती है और इनके प्रति आस्था है। और यही हमारी संस्कृति और परंपराएं हैं जिसको हमें जीवित रखे हुए हैं। और ये 359वां मेला है और ये हमेशा की तरह, मैं देखता हूँ यहाँ पर जब भी आता हूँ तो मन से आपको भी प्रसन्नता होती होगी कि कितना एक भावुक पल होता है और किस तरीके से लोगों की आस्था है। और ये दादा बूढ़े की आस्था ये या उनका आशीर्वाद है लोगों के ऊपर कि जो लोगों की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है, उसके बाद बार बार लोग यहाँ पर आते हैं। और हर वर्ष की बात ही मैं भी यहाँ पर आता हूँ, उससे पहले मेरे पिताजी भी आते थे, मेरे दादाजी भी आते थे। और विशेष लगाव हमारा ईसापुर गांव से विशेष तौर पर रहा है और जिस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है, मैं हमेशा अपनी नई जनरेशन को ये बात कहता हूँ कि हमें ऊंचाइयों पर जाना चाहिए लेकिन हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं को जिंदा रखना चाहिए, जो हमारी असली पहचान है। और यही पहचान हमें आगे लेकर जाती है, इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ते और इन्हीं के आशीर्वाद से ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि दिल्ली का और ईसापुर गांव का या नासा बारा का या पालम 360 का एक वर्ल्ड में, विश्व में नाम है, ये सब इन्हीं की देन है। तो आपने देखा कि पालम 360 गांव के जो प्रधान जी हैं, उन्होंने पूरी तरह से हर बात को बताया और ये भी कहा कि 359 सालों से यहां पर बरकरार मेला लगता रहता है, लोग यहां पर आते, हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पूरे हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। दोस्तों, इस वक्त ईसापुर में आपको बताते हैं कि दादा बूढ़ा धाम के इस मेले में पहुंच चुके हैं पूर्व विधायक अजीत सिंह जी। अब उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या है इस मेले का राज और बाबा बूढ़ा धाम का राज। जी स्वागत है आपको जी एन एन में, बताइए।
जी दादा बूढ़ा धाम का राज क्या है और इतना विशाल मेला यहाँ पर लगा हुआ है और आप पहुँचे हैं? देखो जी, दादा बूढ़े का 359वां जन्मदिन है और जिस तरह से 359 साल से सभी ग्रामवासी धूमधाम से मनाते हैं, वाक्य में इनका इतना असर है कि गांव और हमारा एरिया करीब 50 किलोमीटर का एरिया यहाँ दादा बूढ़े को मानते हैं और निश्चित तौर पर जो शक्ति आत्मा से मानते हैं उनके कार्य भी संपूर्ण होते हैं। इतना विश्वास लोगों को है, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि गांव के बाहर से ही कितनी भीड़ है, कितने लोग आ रहे चारों तरफ से, तो ये दादा में शक्ति है। और जो लोग शहरों में रहते हैं, जिन लोगों को जानकारी नहीं है मेले के बारे में, क्योंकि आज मैं खुद पहली बार मेले में आया हूँ, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश आप देंगे ऐसे समय पर? देखो, बात ये है, हमारे इस देहात के क्षेत्र के लोग दिल्ली के कोने कोने में रह रहे हैं जी। और जब यहाँ के लोग दिल्ली के कोने कोने में रह रहे हैं, वे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और मैं, मेरा ये मानना है कि अपने यहाँ 20-30 किलोमीटर की बात छोड़ दो, जहाँ भी हमारे रिश्तेदार यारे प्यारे भाई पूरी दिल्ली में या पूरी देश में रहते हैं, वे सभी उनको ये कहते हैं भी दादा बूढ़े की धोख मार कहियो और जो मनोकामना आप सोच के जाओगे वो निश्चित तौर पर पूरी होगी आपकी। तो इसीलिए लोग काफी भीड़ में उत्साह में है और अभी 3 बजे से और 6 बजे तक बहुत बड़ा दंगल होगा यार, कुश्ती होती है, पूरे हरियाणा के खिलाड़ी, दिल्ली के, यूपी के, इनामी कुश्ती जिसे बोला जाता है, इनामी कुश्ती, एक लाख 1,000 की पहली कुश्ती, फिर 51 की दो, 21 की, 31 की, काफी कुश्तियाँ, मतलब कई लाखों रुपए की, कम से कम 50 लाख रुपए की कुश्तियाँ होंगी। 50 लाख रुपए की कुश्तियाँ होती हैं इस मेले में और हर राज्य से लोग यहाँ पहुँचते हैं, कुश्तियाँ लड़ते हैं, जो जीता वही सिकंदर का नाम यहाँ पर रोशन करते हैं। और आपको बता दें कि इस समय पूर्व विधायक भी हमारे साथ हैं, उनसे कुछ पॉलिटिकल जवाब भी लेना चाहेंगे हम ऐसे मौके पर जब मिल चुके हैं वो हमें। सर, 24 आ रहा है, क्या कहते हैं? देखिए, 24 में तो पूरे देश में जिस तरह के हालात है, अब G20 का था, पूरे देश ने छोड़ो पूरे वर्ल्ड में प्रधानमंत्री जी का डंका बज गया। और मेरा ये मानना है कि अब की बार पूरे देश भर से 350-450 से ऊपर आंकड़ा है जो लोगों का रुझान आ रहा है, तो पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री, गठबंधन इंडिया ने मीडिया का बायकॉट किया है। अरे, गठबंधन इंडिया तो कुछ भी ना है, ये सारे अब सीटों के बंटवारे में सारे आपस में तालमेल खराब हो रहा है सभी का, कोई कितनी सीट मांगेगा। ये गठबंधन जरूर बना लिया इन्होंने, लेकिन सीट के बंटवारे में सारी तरह आजाद, ये मेरा मानना है। तो सभी बातों पर बात हो चुकी है और 24 में भी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री ऐसा मानना है पूर्व विधायक अजीत सिंह जी का। आज ईसापुर दादा बूढ़ा धाम के इस मेले के आयोजन में कुश्ती का आयोजन भी किया गया, दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल के आयोजन में हमारे साथ बहुत सारे भाई पहलवान मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि भाई किस प्रकार से ये दंगल और कुश्ती का कार्यक्रम आयोजन है। भाई अपना परिचय दे। मेरा नाम ललित है और मैं यहाँ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में से एक बंदा हूँ। हर साल जैसे मेला होता है उसी प्रकार से सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। ये 359वां ऐतिहासिक मेला है, जब से मेला लग रहा है उसी के साथ साथ कुश्तियों का भी आयोजन किया जाता है। अच्छा, तो अभी हमारे साथ और भी भाई हैं, भाई अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम जसवीर है, जसवीर भाई। ये जो कार्यक्रम है, ये जो दंगल का जो मेला के चलते ही हमें दंगल किया जा रहा है और यहाँ इनामी कुश्तियाँ हो रही है, किस प्रकार से और कैसे? ये 359वां मेला हमारा जो दंगल में
मौजूद है हमारे 359वां मेला जी हमारा जी, और हमारे पूर्वजों के टाइम से चला आ रहा है। उस टाइम पे पैसे नहीं होते थे, सेला होता था, कपड़ा दे देते थे, कोई छोटी चीज का नाम दे देते थे, धीरे धीरे एक ड्रेस दे देते थे या एक पगड़ी दे देते, उसके साथ 11 रुपए देने लगे और धीरे धीरे करते करते आज 1 लाख रुपए का पहला इनाम होता है और अन्य भी बहुत सारे इनाम बांटे जाते हैं। 5 से 6 लाख रुपए एक दंगल में खर्च आता है और दादा बूढ़े का मेला भरता बाद में की दोज बोतर दे। इससे समाज को क्या संदेश जाता है? समाज को ये संदेश जाता है जी, जैसे आज नशे की तरफ जा रहे युवा, तो इससे ये संदेश जाता है आप खेलोगे मिट्टी के, जितना आप प्रकृति के टच में रहोगे, मिट्टी के टच में रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे, लंबी आयु होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। दोस्तों आपने देखा कि जो जीएनएन ने बीड़ा उठाया है नशा मुक्ति का, जहां बात करें नजफगढ़ क्षेत्र के नशा मुक्त को करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी मुहिम चालू कर रखी है, वहीं पर आज ईसापुर के दादा बूढ़ा धाम में जो दंगल हो रहा है, यहाँ की भी जो मुहिम है वो नशा मुक्ति की है। जसवीर भाई ने जैसा कि बताया है कि युवाओं में एक नया जोश आता है, अपना नशा छोड़ देते हैं या नशा जो करते हैं या करना चाहते हैं वो भी नशा नहीं करते, क्योंकि शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो भाईजान ऐसी क्या खास बातें हैं जो यहाँ पर इतनी सारी भीड़ आती है, अनेकों राज्यों से लोग पहुँचते हैं? देखो जी 359 साल मायने रखता है, कोई 10 साल से दंगल चल रहा है, कोई 20 से, 359वां अपने आप में ऐतिहासिक मेला, इतने लंबे समय से चला आ रहा है, जो चीज़ इतने लंबे समय से चली आ रही है तो उस चीज़ पे हर आदमी ध्यान करता है भाई, इतने लंबे समय से आ रही है, निष्पक्ष होता है। दूसरा, मेरे गांव का कोई भी पहलवान इस दंगल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो इसलिए नहीं करता है कि भाई गांव के ही कार्यकर्ता होते कोई धांधली ना हो उसमें। आज ऐसे मौके पर कुछ बातें करने का इच्छा है मेरी, गोल्ड मेडल जो लेकर आ रहे हैं वो हमारे यहाँ बाहरी दिल्ली के या हरियाणा क्षेत्र के लोग हैं, तो इस मेले में जैसे दंगल में ऐसे लोग भी आए हैं जो लोग ओलंपिक या इंटरनेशनल खेल चुके हैं? हाँ जी, अब देखो जैसे कैंप लगा कुश्तियों का या कहीं ट्रायल वगैरह चल रही है तो एक अलग की बात है, नहीं तो ओलंपियन, अर्जुन अवार्ड, एशियाड, राष्ट्रमंडल सभी पहलवान पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर। दोस्तों सभी जगह से, यानी कि आपको बता सके इंटरनेशनल खिलाड़ी और नेशनल खिलाड़ी भी यहाँ पर आते हैं और वो भी दंगल में अपना हाथ आजमाते हैं, साथ ही समाज को एक नया संदेश देते हैं ताकि वो लोग स्वस्थ रहें, परिवार को सुखमय रखें और नशा को छोड़ दें, नशा मुक्ति का ध्यान रखें। चंद्र प्रसाद आशु गुप्ता के साथ ओमपाल प्रसाद, जी एन एन दिल्ली।